सिलीगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र को निम्ति भारतीय जनता पार्टीले आज आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त घोषणा मल्लागुड़ी को भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय में गरिएको थियो। घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी को दार्जीलिङ सांसद राजु विष्ट लगायत नक्सलबारी को विधायक आनन्दमय वर्मन को साथ ही अन्य नेतृत्व को उपस्थिति रहेको थियो। दस बारह साल से ये एक दार्जिलिंग मोड़ के पास में एक सड़क में जब भी आता हूँ एक टावर देखता हूँ, उसको पुलिस का वॉच टावर बोलते हैं, यही है ना। लेकिन आज तक पुलिस ने भी उसको वॉच नहीं किया। पैसे की बर्बादी, करप्शन और कुछ नहीं। हम गर्व के साथ, मैं प्रवक्ता हूँ, हमें पार्टी को कभी डिफेंड नहीं करना पड़ता। प्रवक्ता के लिए इससे अच्छा जो है समय काल हो भी नहीं सकता, चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का बनना हो। कॉरपोरेशन है ये लोगों की सुविधा के लिए है। हम नेताओं को नेता बनाने के लिए या कॉरपोरेटर बनाने के लिए जनता नहीं है। नेताओं को यह समझना होगा कि वो जनता की वजह से है और जनता के लिए है। वो नेता नहीं है, वो सेवक है और उसने जनता की सेवा करनी है। तो आने वाले समय में आप देखते होंगे कॉरपोरेशन में कोई भी सर्टिफिकेट बनाना हो लोगों को लाइन लगाना पड़ता है, उसमें बहुत समय लगता है, कष्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिजिटलाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं डोर स्टेप पे मिलेगा और कॉरपोरेशन तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉरपोरेशन चल के आपके घर के आंगन तक पहुँचेगी, इस बात का भी हमने विशेष ध्यान रखा है। उसमें बोलते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये सच्चाई है, तो उस पर भी हमारा जोर रहेगा। सो इन सब बातों को उसके हिसाब से सिलीगुड़ी को बढ़ना चाहिए। हमारे अंदर क्षमता, पोटेंशियल, एनर्जी बहुत है और हमारे अंदर जो क्षमता है उसको, क्षमता को हम भूल के बैठे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया ये ऐसे अंग्रेज थे जो धीरे धीरे हमारी क्षमताओं को ये जो है मारते रहे। जैसे कहानी आपने सुनी होगी, एक जो है 50 करोड़ रुपए सेंक्शन हो गया है, 13 किलोमीटर की सड़क बन रही है करके हम एक संकल्प पत्र सिलीगुड़ी की जनता के सामने आपके माध्यम से रखे और यह संकल्प पत्र सिलीगुड़ी शहर को सपनों का शहर बनाने का यह संकल्प पत्र है। 5 साल की हमारी जो योजनाएं और हमने जो काम करने हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। बड़ी प्रमुखता से हमने एक इसमें कहा है कि सिलीगुड़ी जो है ये ग्रोथ इंजन होगा नॉर्थ बंगाल का, सिलीगुड़ी ये ग्रोथ इंजन होगा नॉर्थ ईस्ट का। क्योंकि अगर सिलीगुड़ी का विकास नहीं होगा तो फिर हम नॉर्थ बंगाल की विकास की कल्पना नहीं कर सकते, वो अपराध होगा। हमने बहुत प्रमुखता से ये बात इसमें कही है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड और कॉमर्शियल हब हम सिलीगुड़ी को बनाएंगे। सिलीगुड़ी भारत का एक वर्ल्ड क्लास सिटी होगा और साथ ही साथ एक ग्रीन सिटी भी होगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा, सीएनजी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। आज एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी आने के लिए 1000 रुपये लगता है, आने वाले समय में एयरपोर्ट से लेकर के सिलीगुड़ी तक लोग जो है आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ सकते हैं। सिलीगुड़ी स्वच्छ होगा, क्लीन होगा, ये एक बड़ी समस्या है। मैं कल से 10 वार्ड घूम चुका हूँ, सिलीगुड़ी में नदियाँ नाले बन गए हैं। वार्ड नंबर 2 में जाकर के आप देखिए, वार्ड नंबर 1 में जाकर के देखिए कैसी स्थिति में हमारी जनता रहती है। घर के सामने नाला बह रहा है, इतनी गंदगी, इतनी बदबू है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों को डेंगू हो जाता है, महिलाओं की डेथ हो रही है, लेकिन कॉरपोरेशन का उसमें कोई योगदान नहीं है। कॉरपोरेशन चुप बैठा है, शांत बैठा है। इसी तरह जो है
हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार भी चुप बैठी है। तो हमने ये प्राथमिकता दिया कि 5 साल तक सिलीगुड़ी में झाड़ू लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम सिलीगुड़ी को साफ भी बनाएंगे, स्वच्छ भी बनाएंगे, साथ ही साथ एक ऑनेस्ट और सिंसियर गवर्नेंस सिलीगुड़ी को मिलेगा, जहां करप्शन फ्री होगा, कटमरी फ्री होगा, व्यापारियों से चुनाव के नाम पे पैसे वसूले नहीं जाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब भी चुनाव होता है व्यापारी वर्ग फोन उठाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता है कोई नेता कोई पार्टी उससे पैसा मांग रहा होता है। और मैं अपना उदाहरण देता हूं, मुझे 3 साल होने को है, 1 रुपया भी आज तक मैंने किसी से नहीं लिया चुनाव के लिए।